खरगोन जिले की कसरावत तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम निमरानी में ओमकार दत्त कॉलोनी के रहवासी भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जब कॉलोनाइजर ने कॉलोनी की बिक्री की थी तो उसने लोगों को नए नए सपने दिखाए थे, लेकिन हालात यह है कि सपने पूरे होना तो दूर, पीने के पानी के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने करीब 8 से 10 दिन पहले कसरावत एसडीएम कार्यालय पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब उनकी किसी बात का कोई निराकरण नहीं हो पाया तो उन्होंने खरगोन कलेक्टर कार्यालय की ओर अपना रुख किया और यहां पर जिला कलेक्टर के संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का कहना है कि पानी के लिए जब भी वह कॉलोनाइजर के पास जाते हैं तो वह कहता है कि हमने अपनी कॉलोनी पंचायत को हैंडओवर कर दी है। जब पंचायत वालों के पास जाते तो वो हमें कहते हैं कि इस तरह की कोई बात हमारी नहीं हुई है, अब हम जाए तो कहाँ जाए, हमें तो बिन पेंदे का लोटा बना दिया है, कोई इधर लुटकाता है तो कोई उधर। सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 2 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा की पावन धरा हमारे गांव के पास से गुजर रही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यासे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से समय रहते समस्या के निराकरण की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। उनका आरोप है कि कॉलोनाइजर और ग्राम पंचायत 3 साल से समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने जल्द समस्या हल होने का आश्वासन दिया है। आप खरगोन आए हो कलेक्टर ऑफिस में, किस समस्या को लेकर आए हैं? हम पानी की समस्या को लेकर आए। क्या समस्या आ रही है? पानी नहीं मिली रो, हाँ मजदूर लोग 400 टैंकर ना 4 दिन बाद ना निखाड़ू खा से खाना तो हम लोग पैसों छे तो अगले साल से उठे पर अभी तो महीनों भर हुई गो समस्या के हाल इतो छे कि पूछो मत। पानी कौन नहीं दे रहा, क्या दिक्कत आ रही है? कॉलोनी वाला नहीं तो आप लोग जिस तरह से कॉलोनी में रह रहे हो तो वहाँ पर पहले पीने का क्या साधन था आपके लिए? साधन वो दी तो अब नहीं दी तो है ही नहीं पानी मर जाएगा, कहीं जाओ मना करी वो क्यों मना कर रहा? टूवेल बैठी गई तू अकाशी वो मना करी रो। क्या करते हो आप लोग पानी के लिए? टैंकर टैंकर डला रहा पानी के लिए, पीने का और आगे जानू पास में पानी भी नहीं हमारा। हाँ क्या नाम है आपका? नथी भाई। कहाँ से? लिमराणी। पानी की समस्या को लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हमारे जो कॉलोनी ओंकार दत्त कॉलोनी निमरानी में पिछले विगत 3 वर्षों से पानी की समस्या आ रही है और हमारे निमरानी के पास ही 2 किलोमीटर दूर पर माँ नर्मदा का वास है जहाँ से हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। और कॉलोनी वाइजर का कहना है कि कॉलोनी हमने पंचायत के हैंडओवर कर दी है और जब हम सरपंच के पास जाते हैं सरपंच का कहना है कि ये कॉलोनी हमारे हैंडओवर नहीं हुई और हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी फिलहाल में व्यवस्था क्या कहाँ से कर रहे हो? अभी तो हम देखिए बाहर के जो क्षेत्र है जैसे कि पास में ही अपने हनुमान मंदिर वहाँ से पानी भर के लाते हैं, कोई नर्मदा पे भी जा रहा है, लेकिन कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अभी जैसे आप कलेक्टर ऑफिस पर आए हैं, संयुक्त कलेक्टर मैडम से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि हमारे अभी एसडीएम साहब से बात हुई है कसरावत के जो है, उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव में थोड़ा बिजी था उसके कारण फॉलोअप नहीं ले पाया हूँ, तो अभी आज ही मैं मीटिंग लूँगा और फॉलोअप लूँगा और आपकी समस्या का समाधान करवाऊँगा। समय रहते आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो अगला कदम क्या है? अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगला हमारा कदम यही रहेगा कि हम NH3 हाईवे पे रहते हैं और वहाँ पे रोड का चक्का जाम करेंगे और हो सका तो आगे और उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। सतीश पटेल। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।